मंदसौर जिले में अचानक बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, मक्का के आकार के ओले भी गिरे। मंदसौर शहर सहित अंचल में मंगलवार की दोपहर 2 बजे अचानक आंधी तूफान के साथ बरसात शुरू हो गई। बरसात की शुरुआत में मक्का के आकार के ओले भी गिरे। अचानक बदले मौसम के मिजाज से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जिले के सितामू, दलोदा, बड़वन, फतेहगढ़ सहित अंचल में करीब 20 मिनट झमाझम बारिश हुई। मंगलवार को नौतपा का छठवां दिन था। सुबह से तेज धूप रही, दोपहर में घने बादल छाए और अचानक तेज हवा और बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम जानकारों के अनुसार 3 सिस्टम एक्टिव है, इससे बारिश हो रही है। बारिश का यह दौर अगले 2-3 दिन और जारी रहेगा। मौसम जानकारों के अनुसार पिछले 48 घंटे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश के आसपास और ईरान पाकिस्तान के ऊपर ट्रफ के रूप में एक्टिव रहा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर जो चक्रवाती घेरा था वह दक्षिण पूर्व राजस्थान के ऊपर आ चुका है और इसी चक्रवाती घेरे से पूर्व पश्चिमी ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश पर एक्टिव थी। उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन भी छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिण भारत तक सक्रिय थी। अरब सागर से नमी भी आई। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ 3 सिस्टम का प्रभाव रहा, इस कारण हवा की रफ्तार तेज रही और पानी गिरा। जैसा कि आपको मालूम है कि सिर्फ गांधी चौराहा ही नहीं, मंदसौर शहर का हजार स्थल कालाखेत बस स्टैंड के यहाँ पर पूरी नाली का पानी, आप 1-2 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते हो। ये पहचान बन चुकी है मंदसौर की। लेकिन मुझे समझ में नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका परिषद इतना बहुमत में होते हो सालों से जीतने के बाद, और वर्तमान के जो अध्यक्ष है श्रीमती रमा देवी गुजर, ये क्या पता कौन सा कंबल ओढ़ के सो रहे हैं कि इनको मंदसौर शहर की इतनी गंदगी, जिनसे लोग इतने परेशान हो रहे हैं। बच्चे देख लो आप, गाड़ियाँ देख लो, महिलाएं की क्या हालत है। नाली, पूरी नालियों का पानी और उनकी गंदगी रोड पर आ चुकी है। क्या पानी भर गया कुछ देर की बारिश में? थोड़ी नाम मात्र की बारिश में अगर ये हालत है तो आने वाला, सबको पता है कि मानसून समय आ रहा है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या ये नालियों का पानी लोगों के घर में जाएगा? इसका इंतजार कर रही नगर पालिका। बारिश हुई है इसमें ये हालत है कि नाले में सब गंदगी बाहर आ गई है और आधे सफाई नहीं हो रही है। थोड़ी सी बारिश में ये थोड़ी सी बारिश, आधे घंटे की बारिश में ये अभी आने वाले टाइम में, अभी तो 1 महीना पड़ा, अभी तो जब आगे वाले टाइम को कितनी बारिश होगी ये भी बाद में क्या होगी। इन्हें नगर पालिका थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सफाई करवानी चाहिए नाले की। इशाक है वो निकल रहे थे अभी, देखा नहीं, अभी मैं निकला तो देखा है कि रोड पर सारी गंदगी परसी भी है और बदबू आ रही है। ये नालियों का सारा पानी रोड पर आ चुका है और आवागमन में थोड़ी पहली बारिश, और अभी बारिश भी नहीं कह सकते हैं, ये स्थिति हो गई है तो क्या कहें। अब यही है कि साफ सफाई होना चाहिए नालों की, ताकि बारिश में समस्या पैदा ना हो, आम रहवासी के निकलने में तकलीफ ना पड़े।